हेलो दोस्त, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए लिस्ट आना शुरू हो चुका है और फिर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोग का ये भी क्वायरी आ रहा है कि सर मेरा साइको वाला क्या होगा। तो साइको के लिए आरआरबी पे लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला है, उसका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। उसमें कुछ लोगों का रिप्लाई भी आया है तो टेक्निकल वैलिड नहीं बोल रहा है, ये टेक्निकली टर्म से ऐसा लिया गया है जिसके कारण से हम इस पे जवाब नहीं देंगे, ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ बात करेंगे आरआरबी गोरखपुर का, जिसमें आ चुका है ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल जो है जिसमें गोरखपुर के आर में देखेंगे तो टोटल पास कैंडिडेट और कितनी टोटल वैकेंसी थी उसके टर्म में बात कर लेते हैं और क्या है लिस्ट में, कैसे हो गया, कटअप क्यों नहीं दे रहा है, ये बहुत लोगों का चर्च है। तो कटअप सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैकेंसी का 1.5 टाइम्स दिया जा रहा है गोरखपुर में, हालांकि 1.3 टाइम्स है, मैंने कैलकुलेट किया है तो 1.5 देने का घोषणा है। लेकिन मेडिकल के बाद आपको कटअप बताया जाएगा या हो सकता है कि बीच में भी कभी बता दिया जाए, लेकिन यहाँ वेटिंग लिस्ट अलग करनी पड़ेगी और नॉर्मल लिस्ट अलग करनी पड़ेगी। अभी जो लिस्ट है वो कॉम्बिनेशन में रिजल्ट आपका लिस्ट है, जिसमें ना पता एलपी का ना पता टेक्नीशियन का, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो वह समझ सकता है लेकिन वो भी नहीं पता कि उसका सिलेक्शन एलपी में हुआ है, टेक्नीशियन में हुआ है या पीसीएम में हुआ है। तो चलिए इसको डिटेल को देखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो इसमें आप डिटेल में आएंगे तो आप पहले वेबसाइट पर आप आ जाइए, तो वेबसाइट पर आते ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट ऑफ एलपी एंड टेक्नीशियन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा तो इसके लिए डिटेल है। इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा ये फॉर्मेट, जिसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या के बात करेगा। तो टोटल कैंडिडेट आप यहाँ पहले देख लीजिएगा, टोटल पास होने वाले कैंडिडेटों की संख्या यहाँ दिया हुआ है 4502। टोटल वैकेंसी यहाँ कितनी है उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन ऊपर देखेंगे कि ये आरआरबी गोरखपुर का कैसा कैसा है डिटेल। तो चलिए सबसे पहले ऊपर फ्रंट पे चलते हैं, किस पेज के नोटिफिकेशन है, जिसमें नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी प्रोसेस सेम है जो आरआरबी का था, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, एक दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद अगले दिन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने वीडियो बना दिया आपका ई एडमिट कार्ड में, इंस्ट्रक्शन के रूप में 22 डॉक्यूमेंट की बात किया गया है, 22 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं या उसका रिमिडी है, यानी 22 की बात किया गया है सारा टर्म में। लेकिन कुछ कैंडिडेट पे सारी चीज़ अप्लाई नहीं करना है, 3 फोटोग्राफ ले जाना है, लेकिन वो भी 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ये सारी डिटेल है, लेकिन टोटल कैंडिडेट देखेंगे तो लेटेस्ट कैंडिडेट की लिस्ट में देखेंगे तो सारा लिस्ट है यहाँ पे आपका नंबर के टर्म में। तो पूरा आपने लिस्ट में देख लेंगे तो आपका नाम मिल जाएगा कि मेरा नाम इसमें है या नहीं है, आपको यहाँ डिटेल में पता चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की टर्म में कि कितनी पोस्ट है यहाँ पे। तो पहले पोस्ट देख लेते हैं, हमारे पास रिवाइज नोटिफिकेशन है जिसमें आरआरबी गोरखपुर में 3 टाइप के अलग अलग वैकेंसी थी। तो देखिए 10 नंबर पर है यहाँ पर, जिसमें आपका MCF, NER और RDSO की खुद 4 टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ पर थी। तो टोटल LP यहाँ 1681 है और 1621 आपका टेक्नीशियन का है, प्लस में 139 MCF का है और 4 आपका अलग से RDSO के लिए है। टोटल वैकेंसी को जोड़ेंगे तो आपको 139, 3202 और 4 करेंगे तो इसको आपको टोटल करना पड़ेगा। टोटल अगर आप वैकेंसी करना चाहते हैं तो टोटल वैकेंसी के टर्म में देखें, तो यहाँ पे हम टोटल वैकेंसी के टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे 1681 प्लस 1764 पूरी टेक्नीशियन मिला के अगर करें, इतना LP का इतना टेक्नीशियन का, तो ये हो जाता है 3445। टोटल रिजल्ट दिया कितना था अभी हमने देखा, 4502। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम इस वाले संख्या को तो 4502 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये रेशियो आएगा 1.30 के समथिंग में। इतने कैंडिडेट को बुलाया गया है, एक वन लिस्ट में और 30% जो कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट में है। हो सकता है किसी भी पोस्ट का खाली नहीं रहने के कारण या कैंडिडेट नॉट एलिजिबल होने के कारण से कुछ 1.5 गुना यहाँ भी पूरा नहीं हुआ है। तो ये डिटेल है गोरखपुर का, रिजल्ट आप जाके देख सकते हैं। आप लोग ने, कई लोगों ने देख भी लिया होगा रिजल्ट आए हुए, कम से कम 1 आवर हो गया है। तो ये सारी डिटेल थी, थैंक यू, धन्यवाद।